हम लोग क्रिकेट वाला नेशन है जहाँ पर बहुत क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा वो देते हैं इम्पोर्टेंस और लेकिन टेनिस क्यों कहीं ना कहीं हमने ज़्यादा वो नहीं दिया है तो वो दर्जा नहीं दिया है। तो ये एक फिल्म टेनिस पर है और बच्चों की फिल्म है और साथ में हमेशा एक फिल्म जब अंडरडॉग की होती है जहाँ से वो बिल्कुल बेसिक लेवल से एक सक्सेस स्टोरी बनता है तो वो हमेशा लोगों को अच्छी लगती है। और मेरे साथ मेरे बहुत ही एक फेवरेट एक्टर है इसमें रणवीर शौरी, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। एंड हमने मतलब ये फिल्म शूट किया, उसके बाद इमीडिएटली मंटो शूट की, तो एक साथ दोनों फिल्में शूट की। सो या वर्किंग विद हिम ऑफ कोर्स, और बिल्कुल दोनों मुख्तलिफ रोल्स हैं। एंड माय द डायरेक्टर इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स, मेरी शुरुआत उनसे हुई थी, कदम सीरियल किया था हमने एक साथ और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा था। एंड उस सीरीज़ की वजह से मुझे फिल्मों में सडनली बहुत सारा काम ऑफर हो गया था। सो दीज वर 3-4 रीजंस दैट आई थॉट आई मस्ट डू दिस फिल्म। एंड इट्स नाइस टू ब्रिंग टेनिस टू द ऑडियंस एंड आई होप दे रियली वॉच इट। एंड इट्स अ स्मॉल फिल्म बट आई होप दे गिव इट ऑल द लव। चैलेंजिंग तो डेफिनेटली था, अगर मुझ जैसे आदमी को टेनिस खेलना पड़े तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स चैलेंजिंग बिकॉज आई हैड नो क्लू अबाउट टेनिस सिवाय देखने के। बट अनूप जी वॉज वेरी काइंड, ही अरेंज फॉर 2-3 मंथ कोचिंग सेशंस फॉर मी, जहाँ पे मैंने एटलीस्ट ताकि बिल्कुल ये ना लगे कि क्रिकेट खेल रहा हूँ टेनिस की पिक्चर में, तो 2-3 महीने मैंने मेरे को कोचिंग वगैरह दी गई। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक टेनिस बट इज वॉट अपील टू मी मोस्ट अबाउट द फिल्म वॉज दैट ए वी डोंट वी हैव वेरी फ्यू स्पोर्ट्स ड्रामाज इन आर कंट्री and then they wonder के इंडिया में स्पोर्ट्स क्यों नहीं, यू नो क्यों, वाई वी डोंट सी बेटर परफॉर्मेंसेज। आई थिंक स्पोर्ट्स को जिस स्पोर्ट्समैनशिप को जितने भी जरिए से हम लोगों तक पहुँचाएँ कम है, बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स इज जस्ट एब्सोल्यूटली 360 डिग्रीज गुड फॉर द पॉपुलेशन जनरली। द फिल्म इट सेल्फ आई लाइक आई सेड इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा एंड इट हैज़ the drama is within a family, so that's another thing which really attracts me. जब से मैं बाप बना हूँ तो you know the playing father to me has become lot more attractive to explore those emotions and those conflicts. I'll be honest, this wasn't like something कि मुझे लगे कि ओह बिल्कुल अलग है, लेकिन जो director हैं मेरे उनके साथ काम करना वो हर scene को कुछ ना कुछ एक अलग एक वो दे देते थे, डायमेंशन दे देते थे। एंड आई एंजॉय वर्किंग विद हिम, सो आई डिड दिस फिल्म बिकॉज आई वांटेड टू एंजॉय दैट। सो इफ आई से माय रोल इज़ ब्यूटीफुल बट इट्स नॉट लाइक समथिंग आई हैवन डन। सुहेल व्हेन ही केम विद द स्क्रिप्ट टू मी, इट वाज जस्ट अ वेरी कंपेलिंग ड्रामा विद इन अ फैमिली विद द बैकड्रॉप ऑफ टेनिस। सो फॉर मी इट वाज यू नो मेरे को टाइम नहीं लगा टू से यस because I had a good part, it was a great story, great script. Suhail of course very inspiring, so I immediately jumped on. And say of course because I also knew that Divya is doing it at the time, so I've known Divya for a while now, we work together also, we've known each other for quite long, so a comfort level rehta hai. But ye the revelation of the film was her, meri beti Anushka. 46 डिग्रीज था, सब अपना अपना काम करते थे और साइड होके अपनी वैन में घुस जाते थे। सो हॉट, इट्स रियली हॉट, बट दोज बच्चा लाइक फुल ऑफ एनर्जी। मेरा ज़्यादा काम तो जो मेरी बेटी बनी है उन्हीं के साथ हुआ है, द अदर बॉयज आई हैवंट इंटरैक्टेड विद, बट इट वाज फन, इट वाज रॉ एनर्जी एंड आई एंजॉयड इट।